इतना जी कहा जाए तो हर बच्चों की जिंदगी में माँ बहुत ही अहम भूमिका होती है, और जिस तरह से हम श्रीदेवी जी की बात करें, हमेशा अपनी बेटी जानवी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती थी, हमेशा मीडिया के बीच में भी आई तो अपनी बेटी को लेकर आई हैं, और वो हमारे बीच नहीं रही, और आज उनकी बड़ी बेटी जानवी का जन्मदिन है, तो आप भी एक माँ के जैसी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे जानवी के लिए? और श्रीदेवी नहीं रही, उनके कौन से गाना है जो आप ज़्यादा उन्हें पसंद करिए, उनकी कोई एक्टिंग? देखिए, मैं कुछ गा के या बोल के जाह्नवी की जो मातृ की जो जगह है उसको कोई बुरा नहीं कर सकता, कोई कोई भी नहीं, कोई भी शक्ति नहीं। हाँ, वो अपने आप, उनको मैं फॉलो कर रही हूँ, और अपने आप जो उन्होंने कल शायद एक स्टेटमेंट दिया था कि मामा को, माँ को वो अभी भी उसी घर में आसपास महसूस कर रही है, श्रीदेवी के प्रेम को, प्यार को वो उस घर में महसूस कर, उसको ऐसा लग रहा है कि कोई एक शक्ति उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो उसी में वो जवाब है, एक्चुअली कोई नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो आपको बचपन से उन्होंने माँ बन के जो भी आपको शिक्षा आपके साथ, आपने जैसे बोला कि बहुत प्रोटेक्टेड थी और बहुत सिखाए, बहुत जो भी संस्कार दिया, वही सब कुछ अभी, वही ऊर्जा आगे कैरी होगा इतने इतने सालों में, कितने साल हो गए उसके पता नहीं, 16-17 जो भी, हाँ नहीं जाह्नवी की कितने साल होगी, तो इतने साल सालों में जो माँ बन के श्रीदेवी जी ने जो भी उनको सिखाया, जो भी शिक्षाएं दी, वो संस्कार ही अभी मातृ बनेगी आगे। तो क्या बोलूँ बाकी, ये बहुत ही, ऑफकोर्स बहुत ही दुखद है, ये बहुत ही दुखद एहसास है, और तमाम चैनल्स में सब लोगों ने देखा है कहाँ कहाँ से लोग आके एक कलाकार को, मैं जब उस दिन लोखनवाला से क्रॉस करी थी और एम्बुलेंस आने वाला था, बहुत मन सहम सा गया, बहुत बहुत बुरा लगा। लेकिन ये भी एक सत्य है कि हम सबको एक दिन जाना है। मन तब खराब लगता है कि जैसे एक मान लेते ना हम लोग कि ओके 80+ है, 70+ है, चलो जीवन देख के गए पूरा, अफसोस नहीं हुआ। तो मन में जब इच्छाएं रह जाती है ना कि बेटी की अभी फिल्म आएगी, उनका शादी, या फिर जो भी सपने हैं, तो वो बिना पूरा हुए अचानक चले कोई जाते हैं तो अफसोस रह जाता है। और श्रीदेवी जी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लगा, ऐसा लगा कि ये कब ये झूठ कुछ साबित हो जाए, मीन्स रॉन्ग न्यूज़ आ जाए, ऐसे ऐसे मन में बातें आई। क्योंकि हम लोगों ने ना, आप लोग तो छोटे हो, हम लोगों ने 90s में ना उनको देख के हम लोग बड़े हुए ना, उनको देख के हम लोगों ने कैसे मिरर के सामने जाके कैसे स्टाइल किया जाए, कैसे श्रृंगार किया जाए, ये सब हमारे जो हम जो बड़े हो रहे थे ना उस समय की बात है। तो बहुत बहुत डीपली एक वैक्यूम, एक जगह एक खाली करके वो चली गई है। और गाने की बात जहाँ तक, कौन से गाने मैं नहीं गाऊँ, वो खुद जो गाई थी चांदनी में, एक गाना खुद गाई थी ना चांदनी में, डायलॉग्स बोलती थी ना बीच में एक।